नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के होटल पिनेकल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा झारखंड की एक आवश्यक बैठक रखी गई। बैठक में राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने व संगठन को मजबूत व विस्तार करने को लेकर चर्चा हुई। इसे लेकर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार भूमिया ने कहा कि इस बैठक में राज्य के सभी जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि जिला कमेटी का गठन कर राज्य के पदाधिकारी को सूचित करें। राज्य में पार्टी को मजबूत और विस्तार करने को लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव दीपक कुमार ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। राज्य में विकास की गति धीमी पड़ गई है। हेमंत सरकार ने लोगों से जो वायदा किया था उसे निभाने में असफल साबित हो रही है। पिछली सरकारें या अभी की सरकारें जो चल रही है और जो जल जंगल की बात करती थी, युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, आज युवा रोड पे आ गए हैं, रोड पे डेली प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चीज़ हमें दूर करना है। और ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है युवाओं के बीच में, हम जैसे लोगों के बीच में आ रही प्रॉब्लम, ये समस्या को दूर करना है। वोट की राजनीति उन्होंने कर ली और आगे नहीं चलेगी और ये चीज़ को हमें दूर करना है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि हम हर साल एक लाख लोगों को रोज़गार देंगे, जो कि अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। और जो भी पढ़े लिखे युवा हैं अभी धरना कर रहे हैं, ये समय हमें देखने को मिल रहा है वर्तमान की सरकार में। और जो भी अभी उनका एक प्रोग्राम चल रहा है आपकी सरकार आपकी द्वार, इसमें भी बहुत सारे समस्या हैं जो कि मजदूर लोग और जो कृषि कार्य करते हैं वो लोग अपना काम छोड़ करके अपनी समस्याओं को रखने वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। केवल वहाँ पे वोट की राजनीति हो रही है और इसे हमें दूर करना है। हम जैसे लोगों को भी दूर करना है और जितना भी वहाँ बैठते हैं संस्था के लोग, वो केवल वहाँ कागजी कार्रवाई करते हैं और लोगों की समस्या वहीं की वहीं है, दूर नहीं हो रही है। ये भी अभी राजनीति बहुत तेज चल रही है वर्तमान की सरकार में। उद्देश्य यही था कि हमारे जितने भी जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, उनको एक टास्क बोला जाए, उसको होमवर्क बोला जाए, उनको एक जिम्मेवारी दिया जाता है कि जितने भी जिला अध्यक्ष अभी तक बने हैं वो अपने जिला कमेटी का विस्तार करके जल्द से जल्द प्रदेश पदाधिकारी को सूचित करें, सौंपे, ताकि आगामी काल आने वाले नए वर्ष जो है आपका 2022, उसमें फरवरी माह में आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, उनके बेटे जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव वर्तमान में बिहार कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका आगमन होना है। उसी के तैयारी को लेकर के आज के इस कार्यक्रम को रांची में रखा गया है, ताकि जोर शोर से आगामी काल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव का आगमन हो, उसमें कहीं किसी तरह का बिंतु परंतु ना हो, इस चीज़ के लिए रखा गया और पार्टी का मजबूती हो, विस्तार हो।